पहाड़न, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत करती हूँ सरोज पहाड़न ब्लॉग में। तो करते हैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो दोस्तों, जब हम लोग गए थे भूमिया मंदिर, तो जो वहाँ पे लखनेश्वरी माता रानी का मंदिर था और वहाँ पे था रुद्राक्ष का पेड़, तो हम लोग भी लाए थे और मैं एक ही लाई थी और किस्मत से देखो ये एक मुखी रुद्राक्ष निकला है। कोई चार लाया था, कोई पांच लाया था, लेकिन मैं एक ही लाई थी और ये निकला है एक मुखी रुद्राक्ष। बड़ी खुशी हुई जब मैंने इसको सुबह वो किया, इसके बाहर से लगा हुआ था इसका जो क्या कहते हैं उसको, हरे रंग का, मतलब जो भी होता है बाहर से, मैंने उसको हटाया आज तो एक मुखी रुद्राक्ष निकला। मुझे बहुत खुशी हुई मैंने कहा, क्योंकि वहाँ पे पंडित जी बोले थे कि बहुत कम चांस होते हैं कि एक मुखी रुद्राक्ष इसको मिले, और अक्सर पशु पक्षियाँ ये एक मुखी ही रुद्राक्ष को ले जाती हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो, जय हो भगवान। मैंने कल लगाई थी सावन की मेहंदी और ऐसा रंग दिया है सावन की मेहंदी ने। तो दोस्तों, रोज़ की तरह अपना काम धाम निपटा करके अब मैं जा रही हूँ दुकान में, और कैसा आज का दिन रहता है दिखाती हूँ अपने ब्लॉग के माध्यम से। तो दोस्तों, पहुँच चुकी हूँ मैं दुकान। पापा रे, क्या राज हो रहा होगा इनका, देखो। शाबाश शाबाश देख के भाग भी रहे हैं। तो आ गई हूँ मैं दिन के खाने के लिए घर। बंदरों का राज हो रखा है पूरा घर में। ये राम अच्छी कितना गंदा करते हैं ना यहाँ। छो, तू बंदर नहीं भगा रहे हैं? बंदर भगा तो कितने बंदर आ रखे हैं यहाँ ए बच्चे। अरे यार, बंदर भगा ले यार, नहीं भगा रहा है रे। तो आज खा रहे हम अरहर की दाल और चावल। चलो सैडी, चलो सैडी, अरे कपड़े उठाते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बारिश आने वाला मौसम हो रहा है, कपड़े उठा देते हैं, आ जाओ सैडी। सूखे हैं कपड़े कि नहीं? कम कम सूखे हैं, सूखे हैं कि नहीं सूखे हैं? खाना खा लिया है, अब मैं जा रही हूँ वापस दुकान। आज इनकी दोस्त नहीं आई है ना, तो ये ऐसे बैठे हैं जैसे कि कुछ नहीं होगा दुनिया संसार में। क्यों रे, है बना रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कॉफी। क्या क्या पढ़ रहे हैं, क्या बना रहे हैं? जो ना कॉफी के फर्स्ट पेज पर नहीं लिखते थे पहले हम स्कूल टाइम में, वो पढ़ा रही थी। क्या क्या लिखते, क्या क्या लिखते थे बता? प्रमाणित किया जाता है कि मेरी अभ्यास पुस्तिका किसकी कॉपी है? ये टू टू की सभी को साथ समान करिए और सपोर्ट लेते हैं। पति कैसे करते हैं? हाँ, हम लिखते हैं। हमने तो नहीं लिखा भाई, ऐसा कभी नहीं, हमने भी नहीं। सर ने हमेशा लिखा है हमसे। क्या पूरा बोल, क्या लिखा है बताना होता मुझे। उसको क्यों पढ़ा रहे, तुझे बोलना नहीं आता है? बोल। अरे शौर रो मा दी तुझे। प्रमाणित किया जाता है कि ये कविता नेगी है, ये ग्राम पटोड़ी की है। यही आज ऐसे हो रखे ना, ये क्या बोल रहे हैं इनको। इंडक्शन तो बनाते थे, इंडेक्स तो बनाता था। इंडेक्स में तो सारा लिखते थे ना कि क्या कहाँ है, लेकिन ये प्रमाणित किया जाता। मैं तेरे से ही सुन रही हूँ, हमारे टाइम पे भी नहीं होता था। हमारी सारी कॉपियाँ है
मतलब ना जब पूजा मतलब प्रार्थना प्रार्थना होती थी तो सर लोग सबको खाना बैठा देते हैं, लिखवाते थे सारा, अतः पूरी कॉफी में खाते। अच्छी बात है, नई बात सुनी मैंने आज। दिन भर की खतरनाक वाली धूप के बाद फिर से मौसम बारिश वाला हो गया है और कल रात को इस हुई थी कि यहाँ सड़क टूट गई थी। दिन भर लग रही है चल चलाती धूप, रात को हो रही है खतरनाक बारिश और आज भी बस वही हो गया। आज तो मौसम जल्दी से ही खराब हो गया है, जो होगा देखा जाएगा। हमारे पार्लर में ये एक छोटी सी खिड़की है और यहाँ पीछे खड़ी है हरीश की बाइक, ये है हमारे मकान मालिक की बाइक और यहाँ से दिखता है बहुत सुंदर सा नज़ारा। मैंने पहले भी आपको दिखाया था और जो ये खिड़की है ना, ये जब लाइट जाती है तो ये खिड़की हमको बहुत राहत देती है। यहाँ से आती है ठंडी ठंडी हवा और इस खिड़की के सहारे हम लोग रहते हैं यहाँ। यहाँ पे ये अखरोट का पेड़, इससे खूब हवा आती है, खूब सारी। ये खिड़की जो खुली रहती है, क्यों रे बच्चों गलत बोल रही हूँ मैं, ये खिड़की बहुत राहत नहीं देती है, और ये सात फेरे कभी खत्म नहीं होगा और इस सीरियल को देखने से मन भी नहीं भरता है। पर जब हमारी सीरियल देखने वाली हैं, सीरियल स्पेशलिस्ट मेरी भाभी, वो अभी जा चुकी हैं, आज वो जल्दी चली गई हैं, कहीं जाना था उनको, तो उनको टीवी देखने का इतना शौक है, इतना शौक है कुछ बता नहीं सकते। शॉप में बाद में पहुंचती है, पहले टीवी ऑन होता है। कब्बू और रिया, मैं तुमको एक चीज़ पूछ रही हूँ और सही सही जवाब देना, ठीक है, कि मैं क्या पूछ रही हूँ। अब ये बताओ कि मैं मतलब जैसे तुमको मैं कैसी लगती हूँ, मैं कैसे रहती हूँ तुम लोगों के साथ, क्या मतलब बताओ तो थोड़ा मेरे बारे में बताओ, मतलब मेरे बारे में मुझे बताओ, मैं जानना चाहती हूँ। और कुछ मतलब अच्छा है, नहीं कुछ गलत चीज भी होगी मेरे अंदर, ऐसा भी नहीं कि सब अच्छी चीज़ है। तो हमने ऐसा कोई गलत चीज़ें नहीं देखी है ना, जो देखा अच्छी देखी। और बताओ और बताओ, ये तुमने तो इतने में खत्म कर दिया ये हैं, पूछो सवाल। मैंने पूछा ना कि भाई मेरे बारे में बताओ कि तुमको जब तुम यहाँ पे फर्स्ट आए। हाँ, रिया से मैं देर से मिली ना, मैं तब देहरादून थी, तो जब मैं यहाँ आई तो तुझे क्या लगा फर्स्ट, जब मैं यहाँ थी तू आई तुझे क्या लगा? मस्त तो थी ना, जब तू यहाँ पाई तो तुमने मुझे देखा ना अचानक से, तुमने कहा कि कौन आया है, क्या लगा तुझे? फिर आपको देखा तब पता चला कि आप ये दुकान आपकी है। अच्छा, तो तू ये डर तो नहीं लगा मेरे को देख के? आप ही ने समझाया मतलब ज्यादा। अच्छा, मतलब बढ़िया लगा तुमको कि तुम जब अगर लाइफ में सक्सेस हो जाओगे तो तुम याद रखोगे कि मैंने मुझे काम सिखाया था, जो भी है मतलब जो भी बातें हैं। कब्बू, कब्बू को तो डर लगता होगा कि बुआ डांटती है, हैं? नहीं, एक चीज और, जब मैं तुम लोग जैसे मैं तुम लोगों को डांटती हूँ, रूठली बात करती हूँ, तब तुमको खराब तो नहीं लगता है? मैं इसलिए करती हूँ कि तुम कुछ सीखोगे। अगर मैं तुमको कुछ बताऊँ नहीं, दिन भर मैं तुम्हारे साथ गपियाती रहूँ, बैठूँ बैठी रहूँ, कुछ ना बताऊँ, तो मुझे शाम को गिल्ट फील होता है कि मैंने इनको कुछ नहीं बताया और मैंने इनको डांटा नहीं। कभी तो मैं सोचती हूँ कि मैं नहीं बोलूँगी इनसे कुछ नहीं, फिर मुझे लगता है यार कि नहीं, अगर मैं नहीं बोलूंगी तो बच्चे हैं, है ना, तो फिर मेरे को लगता है कि कहीं तुम लोगों को बुरा तो नहीं लगता अगर मैं तुमको डांट भी देती हूँ, मार भी देती हूँ, डांटना तो दूर की बात है, तो बुरा तो नहीं लगता ना, है केवल जब तुम यहाँ से चले जाओगे तो तुम मुझे मतलब याद करेंगे ना। क्यों रिया, रिया कुछ बोल रही है? अच्छी बात है।
तो अगर तुमको मेरा वो अच्छा लगता है, कहते ना किसी से उसकी अच्छाइयाँ सीखो, जो उसकी गलत हैबिट्स हैं, जो उसके गलत हो उन चीज़ों को मत स्वीकार करो। कभी भी हो, किसी को भी मिलता हो, तो जो उसके अंदर अच्छी चीज़ें हैं ना उनको ग्रहण करो। चलो जब आज ऐसी बात निकल गई है तो मैं तुमको एक चीज़ और समझाऊंगी कि कभी भी लाइफ में झूठ मत बोलना, ठीक है? कभी मत बोलना झूठ। झूठ बोलोगे तो एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, है ना? कहीं पे काम करने में तुमसे कुछ गलती हो रही है तो अपने कस्टमर को बता, मतलब उनको करा दो कि हाँ, अब उनके साथ नहीं 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 मैंने ऐसा नहीं किया, ऐसा हुआ था, तो उससे तुम्हारी मार्केट ख़राब होगी, ठीक है ना? तो कोशिश करना कि तुम उनको सेटिस्फाइड करो और उनके सामने तुम झूठ ना बोलो। झूठ से कभी दुकानदारी नहीं चलती है, कभी नहीं। कहते ना जैसी नीयत वैसी बरकत, हम जैसी नीयत रखेंगे हमारी बरकत वैसी होगी। हम अगर झूठ बोल करके पैसे कमाने की वो करेंगे तो हम लोग सक्सेस नहीं हो पाएंगे, नहीं कमाएंगे हम बहुत ज़्यादा। मुझे भी यहाँ पे 25 साल हो गया है ना, लेकिन मैंने कभी ये नहीं चाहा कि मैं किसी को झूठ बोलूँ, फिर ऐसे करके ये करूँ, नहीं। ठीक है, चल रहा है अपना, बढ़िया। मैं तो अपनी लाइफ से बहुत सेटिस्फाइड हूँ, बढ़िया लाइफ चल रही है, भगवान सब देख रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है ना? तो इसलिए कभी किसी को झूठ मत बोलना, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो दोस्तों आज का टाइम ज़्यादा कब्बू और रिया के साथ कटा, कहाँ गए रहे तुम? तो इन्हीं को बतियाते हुए इनके संग खूब बतियाई हूँ आज। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। फिर मिलेंगे जल्दी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, बाय बाय।